सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया. बेसिकली जो स्टोरी है जिसमें लीडिंग कैरेक्टर जो मैं कर रहा हूँ उसमें एक फोटोग्राफर हूँ मैं भी, जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं. और किस तरह से एक लड़की के नज़दीक मैं जाता हूँ, फिर एक दूसरी लड़की मेरी लाइफ में आ जाती है और कुछ सडन कुछ ऐसे कुछ हालात बनते हैं कि कुछ एक मर्डर हो जाता है जिसमें फंसता कौन है निकलता कौन है, वो आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा. आपकी म्यूजिक बहुत धूम मचा रहा है, तो आप म्यूजिक के जो डायरेक्टर देखिए, म्यूजिक की जहाँ तक बात है, ये राज वर्मा हमारे साथ में है, इन्होंने बहुत ही बेहतरीन म्यूजिक दिया है. इससे पहले भी अच्छा अच्छा म्यूजिक देते रहे, तो इसका जवाब यही दें तो ज़्यादा अच्छा है. नहीं, म्यूज़िक अच्छा है. इसमें टाइटल सॉन्ग खुशबू जैन ने गाए हैं और टाइटल मदमस्त भर का बहुत अच्छा है और आप लोग का प्यार मिल रहा है जो अच्छा लगे. ये टोटल 4 गाने इस फिल्म में और ऐसे टोटल ऑडियो में 6 गाने हैं, पिक्चर में 4 गाने हैं. अलग अलग तरीके से टाइटल है, रोमांटिक है और एक सस्पेंस है, इस तरीके से अलग अलग गाने हैं. सिंगर है साकेत ने गाया है, खुशबू जैन ने 2 गाने गाए हैं और श्वेता तिवारी ने भी इसमें गाना गाया है. उसको तो पीछे जाना ही था. अगर वो नहीं जाएगी तो फिर हम लोगों को कैसे चांस मिलेगा. सो एक चीज़ और मैं बताऊँ, जिस तरह से लीना ने यहाँ इस फिल्म में परफॉर्म किया है, मुझे नहीं लगता कि मल्लिका शहरावत या कोई और कहीं ठहरने वाली है. वैसे भी उनका टाइम शायद अब गुजरे जमाने की बातें हो गई हैं वो. अब आप इंतज़ार कीजिए, लीना कपूर आ रही हैं और उसके बाद सब मल्लिका और जितनी भी हैं वो सब शहजाइड हो जाएंगी. इंडस्ट्री में कोई ना कोई अपना किसी ना किसी एक्सपायर हो गया था, तो आप ये बताइए आप किससे हैं. देखिए, इंस्पिरेशन की बात जहाँ तक है तो मैं पूरी दुनिया एक इंसान से बहुत इंस्पायर्ड होती है, मिस्टर बच्चन. लेकिन मैं उनसे भी एक कदम आगे दिलीप जी से इंस्पायर्ड हूँ. मैं दिलीप जी की बहुत सारी फिल्में मैं देखता रहा हूँ, लेकिन मिस्टर बच्चन सबके इंस्पिरेशन होते हैं, मेरे लिए भी वही हैं. आपका पहला एक्सपीरियंस है प्ले का? जी नहीं, मेरी एक और फिल्म है जिसमें मैंने ग्रेसी जी के साथ काम किया है. बहुत सीनियर एक्ट्रेस थी मेरे साथ वो, और उनके साथ भी काम करके मुझे अच्छा लगा. मजनू गिरी वो भी इसी साल रिलीज़ हो रही है, बट फिलहाल हम इसी फिल्म के रिलेटेड बात करें तो ज़्यादा अच्छा है. मूवी बहुत अच्छी है, एक मैसेजिंग सब्जेक्ट है ये, इसमें काफ़ी अच्छा मैसेज गया है, वो हिसाब से अच्छी मूवी बनी है. आज के टाइम पे हर कोई जो है किसी बड़े सेलिब्रिटी को लेके या बड़े आर्टिस्ट को लेके फिल्म करता है, आपने क्या सोच के यानी कि एक तरह से नए चेहरे को चांस दिया? नहीं, करते हैं वो बात बराबर है, लेकिन इसमें हमने अपने सब्जेक्ट को मतलब सब्जेक्ट के हिसाब से जो आर्टिस्ट चाहिए थे हमें, ये दोनों परफेक्ट रहे. इसके लिए हम चाहते हैं कि आपकी फिल्म सुपर हिट हो, लेकिन ये कब तक दर्शकों को देखने को मिलेगी? ये 22 मई को आ रही है थिएटरों में. मैम, आप बर्थडे पे आज क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगी कि मेरी सिस्टर की पिक्चर सुपर हिट हो, मुझे बस इतना ही है. बर्थडे पे आप आई हैं और माशाल्लाह अच्छी डांस पार्टी थी, तो आप कैसा फील कर रही हैं? मुझे तो बहुत अच्छा फील हो रहा है कि साथ में बर्थडे भी है और उसके ऊपर फिर मूवी का, और क्या कहना चाहूँगी. और इसके अलावा आपका कोई प्रोजेक्ट? हाँ, इसके अलावा मेरा एक और प्रोजेक्ट आ रहा है, उसका नाम है रियल वाइफ. उसमें भी मेरा वाइफ का करेक्टर है और उसका शूट सब अब्रॉड में हुआ है. बहुत अच्छी स्टोरी है जिसके अंदर एक सिंगल वूमेन की स्टोरी है और काफ़ी हॉट भी कह सकते हैं.